Welcome to my channel, that is Shilpa Shah, like our home kitchen with me. तो आज मैं एक बिल्कुल अलग वीडियो बना के लाई हूँ आप लोगों के लिए. और बिकॉज अभी ओकेजन्स आ रहे हैं लाइक मैरिज और हमारा ईद भी, और भी फेस्टिवल्स लाइन टू लाइन आते ही रहेंगे. और मैरिज और अदर फंक्शंस तो हमेशा लगे ही रहते हैं, चाहे वो अपनी फैमिली के हों, चाहे वो अपने नेबरहुड के हों, चाहे वो अपनी अदर, चलते ही रहते हैं. लाइक दिवाली, होली, नया साल, ईद, रक्षाबंधन, तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में चलती ही रहती हैं. तो इसी वजह से आज मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है. और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को तरह तरह के लुक शेयर किए आप लोगों के साथ, कि आप किस तरीके से सज के, सवर के, और किस तरीके के आउटफिट आप यूज़ कर सकते हैं इन योर फंक्शंस. तो होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे वीडियो. और अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक देना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया. क्योंकि अब मैं हर तरह तरह के ब्लॉग्स डाल रही हूँ, आइडियाज़ डाल रही हूँ रिलेटेड टू क्लीनिंग होम, एंड रेसिपी तो मेरे चैनल्स में आपको हमेशा मिलती ही रहेंगी. तो इसी वजह से आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप किसी भी तरह के वीडियो आपसे दूर ना हो और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. ये सभी को पता है बट हम याद दिलाते रहते हैं, सारे यूट्यूबर्स आप लोगों को याद दिलाते रहते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को. तो चलिए, बहुत बातें कर ली मैंने और बातें मैं नहीं कर रही हूँ. तो देखते हैं मेरे लुक को कि कैसा है लुक, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ. तो चलिए देखते हैं. कहीं भी तैयार किए जा सकते हैं जैसे कि मैं तैयार हुई हूँ. और मैंने बहुत हल्का सा तो नहीं, मतलब शादी में जाने लायक मैंने लुक क्रिएट किया है. एंड सॉरी फॉर दैट बिकॉज मैं अपने आप हैंडल कर रही हूँ कैमरा, तो इस वजह से ऐसे ही हो रहा है. कोई हेल्प करने के लिए नहीं था मेरे पास, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा समझ सकते हैं शायद. तो मैटी के लिए आप ऐसे भी तैयार हो सकते हैं और सीरियसली बहुत अच्छा लगता है कहीं भी जा रहे हैं. तो जिस तरीके से मैंने आगे पल्ला लिया है, आप जैसे साड़ी पहनते हैं उस तरीके से भी ले सकते हैं, और नहीं तो फिर आप और भी तरीके हैं इसको हैंडल करने के लिए. कोई एक साइड भी ले लेता है पल्ला, तो जिस तरीके से भी आपको सही लगे आप उसको कैरी कर लीजिए. तो चलिए नेक्स्ट जो मेरा आउटफिट है, तो मेकअप मैं यही रखूँगी क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट टू डू मेकअप, तो मैं बार बार इसको नहीं मिटाना चाहती. तो मैं दूसरा आपको आउटफिट दिखाती हूँ जो कि आप अपने किसी भी मैरिज फंक्शन में आप पहन सकते हैं. और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा मेकअप आप लोगों को कैसे लगा. मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ आप लोगों को. तो मैंने आँखों पे पिंक कलर का आई शेडो लगाया हुआ है, पिंक कलर का, और आँखों में जो भी मेकअप की और पसीना चीज़ें होती है वो मैंने हल्की हल्की अप्लाई की. ये मेरा दूसरा लुक है फॉर पार्टी के लिए. तो मैंने यहाँ पे एक बन बनाया है जो कि हल्का सा थोड़ा सा मैसी बन है, और इस फूल को तो आप जानते ही हैं. तो ये फूल लगाया है मैंने बालों में, और थोड़ी सी जुल्फे, थोड़ी सी ये लट निकाली हुई है रोल करके हल्की से, पसीना आ रहा है मुझे. और मैंने जो साड़ी पहनी है ये वेलवेट टच में है और ब्लू कलर की है. इसमें हल्का हल्का स्टोन वर्क भी हुआ है,
पूरे उसमें। और मुझे गले पे कुछ पहनना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि गला मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ पे एक मंगलसूत्र या एक सोने की चेन आप पहन सकते हैं, बट मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा था। और ये इयररिंग पहने हैं मैंने, ये बहुत लाइट वेट है एक्चुअली, देखने में इतने हैवी लग रहे हैं बट है नहीं, बहुत बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। आपको लगेगा अपने कि आपने कानों में कुछ पहना हुआ है, और ये बिल्कुल मैच हो रहा है इस वर्क के साथ, बिकॉज ये वर्क जो है ये भी गोल्डन वर्क ही है, तो पूरा इसमें अच्छे से मतलब कहीं से भी हम कह सकते हैं कि सारी चीज़ें मैच है। एक बिंदी लगाई हुई है मैंने, तो चाहे तो इसे लगाएं चाहे ना लगाएं, और सिंदूर तो मस्ट है। तो चलिए मैं आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ साड़ी का। तो ये साड़ी है पूरी ओवरऑल, और नीचे देख सकते हैं आप कि नीचे जो है क्रीम कलर की है ये साड़ी, और इसमें भी वर्क हो रखा है, काफ़ी हैवी वर्क हो रखा है नीचे। और ये साड़ी पूरी नेट की है और गोल्डन, तो आपने देख ही लिया, इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है। और मैं अपने आप ही वीडियो बनानी पड़ रही है मुझे, तो बहुत एलिगेंट लगती है साड़ी, देखिए इट्स माई फेवरेट। और ये साड़ी मैंने बाय आउट की थी जब मेरे ब्रदर की मैरिज थी, तब मैंने खरीदी थी ये साड़ी, और ये जश्न की साड़ी है। और सीरियसली बहुत ही अच्छी लगती है किसी भी पार्टी में पहने अगर हम, तो चलिए मैं आऊँ। ये पार्टी के लाइक बर्थडे पार्टी, हल्दी फंक्शन हो किसी का, मेहंदी फंक्शन हो किसी का, तो आप मतलब आप तैयार भी अच्छे से हो गए, आपका आउटफिट भी इतना किसी को भी भारी नहीं लगेगा, और आपको भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको डांस करना है, हल्दी लगानी है, भागा दौड़ी का काम करना है, और एक्चुअली हर फंक्शन में आजकल डांस तो नेसेसरी है, तो डांस के पर्पज़ से भी ये बिल्कुल ज़्यादा भारी नहीं है। और बालों की बात की जाए, अगर आपको अच्छे हेयर स्टाइल्स आते हैं तो आप उसके साथ ज़रूर करें, तो और अच्छा लगेगा। और इसमें ये लुक है बाजू में, तो बहुत ज़्यादा चल रहा था उस टाइम, तो तब मैंने खरीदा था लुक विद बनारसी साड़ी। ये बनारसी साड़ी है जो कि मैंने आगे करके पल्ला लगाया है, और ये आप किसी भी फंक्शन लाइक मैरिज हो या वो भात हो, आप उसमें अटेंड कर सकते हैं, इसे पहनेंगे। और इसका कलर बहुत ही अच्छा है, इसका जो कलर है वो थोड़ा रानी कलर जो होता है वैसे में है, बट इसमें पता नहीं कैसा लग रहा है, तो जिसे वेलवेट कलर भी कहते हैं वही कलर है ये, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेकअप तो मैंने वही किया हुआ है, बट मैंने कानों में ये टॉप्स डाल लिए हैं, थोड़े ज़्यादा बड़े भी नहीं और ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, और इसके साथ ही गले का मैचिंग का है। और मैं जैसे आपसे कहा था कि मुझे बालों के ज़्यादा हेयर स्टाइल्स नहीं आते हैं, तो मैंने वही सिंपल सा एक बन बनाया है और फ्लावर लगा दिया उसके साथ में, तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इस तरीके से पिनअप की है साड़ी को, और सीधा करके, और एक एक क्रीज जो है आप देख पाएंगे, बहुत अच्छी बनती है बनारसी साड़ी एक्चुअली। काफ़ी लंबा रखा है ये देखिए, तो मैंने काफ़ी लंबा रखा है, और तो ऐसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं, और बहुत अच्छी लगती है एक्चुअली। और मुझे तो बहुत दिनों के बाद सजना पड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए, और सीरियसली मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ ये जो वीडियो बनने वाला है, मैं बहुत इन्जॉय किया मैंने इस वीडियो को, बार बार चेंज करके फिर वीडियो बनाना।
सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये लुक है नई दुल्हन का, तो सर पे थोड़ा सा पल्ला रखकर यू नो रखती है दुल्हन जो नई आई हुई होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज तो मैं टिपिकल यू नो बंगाली लुक लग रहा है, बिल्कुल बंगाली लग रही हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि सबसे अच्छा जो लुक है आप लोगों को कौन सा लगा, कौन सा आउटफिट आपने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा। मेरा फाइनल लुक है और मैंने पहना है सूट, सिंपल सूट है जिसे आप लाइट फंक्शन में कैरी कर सकते हैं, आप ईद के दिन तैयार होकर इसको कैरी कर सकते हैं ऐसे सूट को जो लाइट होते हैं, और मतलब ज़्यादा हैवी नहीं लगता है आपको। तो पहले मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। तो ये प्लेन ही है, फ्रॉक सूट है और एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ पे काम किया गया है और नेक पे काम किया गया है, और बाकी पूरी प्लेन ही है देख सकते हैं आप। और इसके साथ में पजामी दी हुई है, वो है ब्लू कलर की, और इसका जो चुन्नी है वो भी ब्लू कलर की है, थोड़े थोड़े इसमें फूल बने हुए हैं। तो ये कहीं ऐसे बर्थडे हो या कहीं हम घूमने जा रहे हों लाइक मंदिर गुरुद्वारा, तो फिर मैं इसको पहन लेती हूँ। और सिंपल के साथ साथ ये बहुत एलिगेंसी देता है, बहुत एलिगेंट लगता है, तो इसी वजह से मुझे पसंद भी है। तो देख लिया आप लोग की वीडियोस, होप कि आपने इंजॉय किया होगा इस वीडियो को, बोर नहीं हुए होंगे आप मेरा आउटफिट्स को देख के। और मैंने बहुत मेहनत की इन आउटफिट्स को पहनने के लिए, वो भी इतनी भरी गर्मी में, आप समझ सकते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। ये बनारसी साड़ी, भारी साड़ी, लहंगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, पूरा पसीना पसीना मैं हो जा रही थी, बार बार फेस पाउडर लगाना। तो यही आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरा कौन सा आउटफिट सबसे अच्छा लगा, और मेकअप तो सेम ही था, उसको तो आप छोड़ ही दीजिए, तो बट प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कौन सा आउटफिट अच्छा लगा, और आप मतलब किस आउटफिट में मैं आप लोगों को अच्छी लगी, दोनों चीज़ें आप ज़रूर प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और चाहे आप मुझे कुछ नेगेटिव कमेंट्स देना चाहते हैं, पॉजिटिव कमेंट देना चाहते हैं, बोथ कमेंट्स वेलकम टू माय चैनल, और मैं इस चीज़ को अपने लिए अच्छा सजेशन समझूंगी हमेशा, तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर कर दीजिए। और बाकी मैं बोल चुकी हूँ पहले ही, लाइक और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर्स एंड योर फ्रेंड्स के साथ। तो दोबारा मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए ईद मुबारक जो भी मेरे भाई बहन हैं जिनका ईद आने वाला है, जो ईद सेलिब्रेशन करते हैं उन सभी को ईद मुबारक, और सब अपने बड़ों को बड़ों से ईदी ज़रूर मांगेंगे, डोंट फॉरगेट दैट, ईदी बहुत ज़रूरी है। तो सभी बड़े ईदी देते ही हैं, और जो छोटे हैं उनसे भी जो छोटे हैं वो भी कोशिश करें उनको अपनी पॉकेट मनी से ईदी देने के लिए। तो सेलिब्रेट कीजिएगा अच्छे से, और इन चारों में से सूट वाला आई थिंक सो गुड रहेगा ईद के लिए, ईद फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए। तो चलिए दोबारा मैं मिलती हूँ आप लोगों से, टेक केयर फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय।